हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हम एमसीबी यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ओपन बुक सिस्टम का आपका टाइम टेबल आ चुका है। पहले भी एक टाइम टेबल जारी किया गया था, लेकिन दोस्तों अब उस टाइम टेबल को चेंज कर दिया, न्यू टाइम टेबल आ चुका है हमारा एमसीबी यूनिवर्सिटी का। तो जो भी एमसीबी यूनिवर्सिटी बीए बीकॉम बीएससी बीबीए के स्टूडेंट दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अब आपकी परीक्षा इस दिन से होंगी। रेगुलर के स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट हो, सभी के लिए सेम वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमसीबी यूनिवर्सिटी का हमने टाइम टेबल है जो कि डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको संशोधित टाइम टेबल, क्योंकि संशोधित टाइम टेबल इसलिए यहाँ पर संशोधित दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले रेगुलर स्टूडेंट की, फिर हम बात करेंगे प्राइवेट के स्टूडेंट की। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किन किन कोर्सेज की बात करने वाले हैं। यहाँ पर कोर्सेज के नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीए थर्ड ईयर हो गया, बीएससी थर्ड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, बीबीए थर्ड ईयर। तो दोस्तों, ये टाइम टेबल आया वो थर्ड ईयर का आया है अभी। ओके, और यहाँ पर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, सब्जेक्ट के नाम भी देखें। ओके, और यहाँ पर दोस्तों आपके, आपको पता होगा कि आपके ओपन बुक सिस्टम के तहत परीक्षाएं होने वाली, तो यहाँ पर अलग अलग तारीख में अलग अलग डेटेड में आपके क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल कराए जाएंगे। तो बीए थर्ड ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल कराए जाएंगे वो 10 जून को अवेलेबल कराए जाएंगे, बीएससी के 15 जून को कराए जाएंगे, बीकॉम के 18 जून को, 18 जून को, 15 जून, 15 जून। तो दोस्तों, ये 15 जून है, 10 जून है, ये टाइम टेबल की पहली तारीख थी वो 3 जून से स्टार्ट होने वाले थे। अब दोस्तों एक हफ्ते का टाइम बढ़ा दिया है, 10 जून कर दी गई है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन पेपर आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेंगे, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जो SIS ID होती है वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने होता है, आपको मिलता है एक हफ्ते का टाइम, और इस एक हफ्ते में आपको अपने क्वेश्चन पेपर आपको अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट कर देना है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जाकर के आपको सबमिट कर देना है। 17 जून से लेकर 20 जून के बीच में आपको अपने क्वेश्चन पेपर अपलोड करने हैं जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में। चलिए दोस्तों, प्राइवेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एमसीबी यूनिवर्सिटी के प्राइवेट स्टूडेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट का टाइम टेबल हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पर संशोधित टाइम टेबल है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है बीए बीएससी बीकॉम, और बीए बीएससी बीकॉम के यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपको अपलोड होने थे दोस्तों, लेकिन अब इसकी तारीखें आगे बढ़ा दी गई है। ओके, अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन पेपर कब अपलोड किए जाएंगे, वो अपलोड किए जाएंगे वेबसाइट पर 21 जून को। कब अपलोड किए जाएंगे दोस्तों, 21 जून को। ओके, पहले क्वेश्चन पेपर अपलोड होने थे वो दोस्तों होने थे 14 जून को। कब होने थे, 14 जून को अपलोड होने थे, अब 21 जून को अपलोड किए जाएंगे, यानी पूरा एक हफ्ते का टाइम बढ़ा दिया है। 21 जून को अपलोड होने के बाद में आपको 29 जून से लेकर 30 जून तक आपको अपने क्वेश्चन पेपर हैं आपको अपने कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उस कॉलेज में जाकर के आपको सबमिट कर देना। ओके, रेगुलर का भी मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, प्राइवेट का भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। और दोस्तों, आपको एमसीबी यूनिवर्सिटी के ओपन बुक एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ओके, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जानते जानते इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। वीडियो को भी पकड़ते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, पकड़िए, बाय।